भाई परेशान हो गए आज, क्या ही करें भाई, ये बारिश रुकने को ही नहीं आ रही। देख रहे हो कितनी देर से हो रही है भाई, अभी थोड़ी देर पहले ना पानी भर गया था पूरा, शायद मैंने बनाई है वीडियो, बट बारिश भाई। वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग। और भाई आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है भाई, बारिश मतलब दो तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा हूँ मैं। और अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है, नीचे मैंने अंशु बुलाया तो नीचे चलते हैं, कुछ पहले बाहर जाऊँगा मैं, कुछ खा के आऊँगा, क्योंकि आज घर पे भी कुछ नहीं बनाया मैंने, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ठीक है, एक मिनट नहीं हुआ, हम चौक पे पहुँचे हैं और यहाँ स्टार्ट हो गई बारिश। अब यहाँ भाई छत के नीचे सर छुपा रहे हैं अपना। तो भाई फाइनली आके घर पर, भाई मैं तो पूरा अभी नहा के निकला था, अभी सारे कपड़े गए ख़राब और ये भी गिल्ला हो गया, इसके वास्ते बेचारे के पास कपड़े भी नहीं। अभी 5 मिनट पहले ही नहा के निकला था मैं, पूरे 5 मिनट भी नहीं हुए थे, बस मैं कपड़े पहन के नीचे खड़ा हुआ था, नीचे आया एकदम गिल्ला। अगेन मैंने बना लिए हैं ये मखीन भाई, कल से ना मैंने 2 पैकेट खाली कर दिए ये खा खा के, क्योंकि भाई कुछ मिल ही नहीं रहा भाई, घर बैठे बैठे खाने का मन कर रहा है सिर्फ। अब मैं चलाऊँगा इसमें नेटफ्लिक्स और आराम से देखेंगे कोई पिक्चर बढ़िया सी, टीवी में चलाता हूँ यार, बड़ी स्क्रीन बढ़िया मुझे। अब है बारी मैगी की, पहले ये फिर ये, अभी थोड़ी देर में और एक चीज़ और आएगी एंड अपना नेटफ्लिक्स, फुल टाइम पास या फिर वेस्ट जो भी कह सकते हो भाई, कर भी क्या सकते हैं भाई, बारिश देख रहे हो कितनी आ रही है। थर्ड थिंग भाई पॉपकॉर्न भाई, बारिश को क्या हो गया, बारिश क्यों नहीं रुकने को आ रही है आज भाई, परेशान हो गए आज, क्या ही करें भाई, ये बारिश रुकने को ही नहीं आ रही। देख रहे हो कितनी देर से हो रही है भाई, अभी थोड़ी देर पहले ना पानी भर गया था पूरा, शायद मैंने बनाई है वीडियो, बट बारिश भाई, इतना डार्क मौसम और इतनी ज़्यादा बारिश कैसे झेले हम भाई, घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे यार कुछ हम भाई। अगर ये बारिश कंटिन्यू ऐसे चलती रही ना, तो और कुछ हो या ना हो मैं कुक जरूर बन जाऊंगा भाई, कुछ ना कुछ बना बना के भाई। तो भाई अभी मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ था नॉर्मली, सब लोग यहाँ से चले गए हैं, मैं मम्मी की वेट कर रहा हूँ क्योंकि आज मम्मी आने वाली है सहारनपुर वापस। लेकिन यार बैठे बैठे मतलब रील्स देखते देखते ना एक चीज़ समझ आ रही थी आज मेरे, कि यार पैसे की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है भाई लोगों की लाइफ में। मतलब मैं जैसे 2-4 लोगों से बात करी आज मैंने, तो कंक्लूजन भाई सभी ने यही बताया, सब अपनी लाइफ के बारे में बता देते, तो भाई कंक्लूजन यही था कि यार ये पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है भाई लाइफ में लोगों की आज की डेट में। मतलब हम तो नहीं सोचते यार इतना, बट बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हम सराउंड कर रहे हैं, सब लोग पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं भाई। मतलब अगर आपके पास पैसा है ना, तो सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सब आपसे पूछेंगे भाई क्या हाल है तेरे, कैसा है, क्या चल रहा है लाइफ में। लेकिन जहाँ आपके पास पैसा ख़त्म होगा ना, या आपके साथ कोई भी ऐसा सिनेरियो हो गया जो आपको ऐसा फील कराए कि भाई आप रिच नहीं हो, तो आप अपने सराउंडिंग को देखना भाई, सब चेंज हो जाएंगे। जब उन्हें पता लगेगा ना कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसा ख़त्म हो गया, तो धीरे धीरे भाई सारी सराउंडिंग ना चेंज होने लग जाएगी, सब आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उस तरीके से बात नहीं करेंगे आपके साथ जिस तरीके से तब करते थे जब आपके पास पैसा होता था भाई। ये चीज़ मैं बहुत बार नोटिस कर चुका हूँ, बट यह कि मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि सीरियसली मैंने उस चीज़ को कवर किया है, बट मैं उस चीज़ को वैल्यू नहीं करता। पैसे मेरे लाइफ में वाकई में इम्पोर्टेंस नहीं दे, मतलब वैल्यूएबल नहीं है लोगों के सामने। इन शॉर्ट मतलब जिनके साथ मैं रहता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जितने भी नोन हैं या क्लोज हैं, जो भी बहुत मेरे से, चाहे वो स्टाफ ही क्यों ना हो, मैं पैसों की वैल्यू नहीं रखता उनके सामने। ठीक है, मेरे लिए उस मैटर में पैसे की वैल्यू कुछ नहीं है, बट यह है कि मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया है कि हाँ मुझे उस चीज़ की वजह से झुकना ना पड़े कि हाँ भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं झुकूँ ना उस चीज़ के ऊपर, और आगे भी अभी और करना ही है यार, अभी ये तो नहीं काम करना बंद कर देंगे, अभी और काम करना है, अभी और पैसा कमाना है।
सारी चीज़ें देखनी है, बट ये है कि यार आप लोग भी भाई जो भी मेरी वीडियोस देखता है काम पे भी ध्यान दो भाई। लोग आपके साथ सिर्फ तभी तक हैं जब तक उनका टाइम पास नहीं हो रहा। जब वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे ना, तब वो आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आप कैसे हो, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए भाई अपना थोड़ा सा फोकस डालो यार। बहुत लोगों को समझाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा समझाता हूँ कुछ लोगों को, तो शायद लोग देखेंगे भी वो मेरे, कि भाई आप जिनके पीछे लगे हुए हो वो लास्ट में आपका पीछे छोड़ देंगे, लास्ट में आपका साथ छोड़ देंगे जब उन्हें पता लगेगा कि भाई आपके पास पैसा सीरियसली नहीं है, ठीक है। और वो आपसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं अगर, तो भाई वो आपकी वैल्यू करना बिल्कुल बंद कर देंगे। और अगर आपको लगता है ना हाँ भाई सच्ची मोहब्बत है, सच्चा प्यार है, कुछ नहीं होने वाला भाई। इन दी एंड में ना आपका खुद का ही जूता कटने वाला है, इसलिए आप मत करो अपना टाइम वेस्ट, अपनी लाइफ वेस्ट मत करो उनके चक्कर में जो आपकी, क्या ही कहूँगा यार, ज़्यादा रिलेट हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर मेरे पास मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई तुमने मेरे को टारगेट किया है। बट सीरियसली मैं समझाना चाहूँगा भाई हर किसी को कि प्लीज़ काम पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। बहुत मिलेंगे आगे, आपको बात करने से अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाला आपसे किस वे में प्यार करता है। अगर आप कुछ नहीं हो ना उसके, मतलब अगर आप कुछ नहीं हो तब वो प्यार कर रहा है आपसे, और उसे ये चीज़ पता है कि आप कुछ नहीं हो, ये नहीं कि आप दिखावा कर रहे हो, आपको खुद को पता है कि आप कुछ नहीं हो लेकिन आप खुद दिखावा कर रहे हो कि भाई मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये दिन का फलाना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अपने आपको अमीर शो कर रहे हो उसके सामने, तब वो आपसे प्यार करता है, तब नहीं जब सामने वाले बंदे को पता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। तब अगर वो आपसे प्यार करता है तब आप सोच सकते हो कुछ कि हाँ भाई कुछ है, और तब भी आपको इम्पोर्टेंस अपने करियर को देनी है फर्स्ट, क्योंकि भाई करियर आपका सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि आपको इन दी एंड रिस्पेक्ट उसी से ही मिलने वाली है। आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तब तक जब तक आपका करियर सेट नहीं होगा, आप पैसा नहीं कमाते होंगे। अगर आप ये सोचोगे ना कि आपकी वाइफ को आप बढ़ा दोगे ऊपर, ठीक है, खुद आप नहीं बढ़ पा रहे हो तो अपनी वाइफ को बढ़ाओगे आगे और वो अर्न करेगी आपके लिए, तो आप इस चीज़ की गलतफहमी में हो। सभी को न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल है आजकल SDM की, तो मैं उसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एंड में सभी के साथ यही होता है, वो तो वाइफ थी, ठीक है, आप उस पे विश्वास कर रहे हो जो आपकी अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए भाई थोड़ा सा माइंड यूज़ करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। सभी लोगों को मैं ये चीज़ कहता हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करता। बाकी मम्मी आने वाली है, ब्लॉग को तो मैं इसे यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो गया। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।